तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से अब बागडोर ले ली जाएगी? और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्या वजह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कह दिया और कहा भी कि देवता बनने की कोशिश ना कीजिए, भगवान मत बनिए, क्योंकि देवता और भगवान उनकी एक अलग उपाधि होती है। काम कीजिए, काम पर ध्यान दीजिए, और ऐसा नहीं हो पाया तो शायद ठीक नहीं होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो तय करते हैं आगे की रणनीतियों को, जी हाँ, बीजेपी कुछ भी नहीं है, बीजेपी को चलाने वाला आरएसएस ही है, आरएसएस संगठन ही है। और मोहन भागवत का इस तरीके का बयान सामने आना क्या बताता है कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम काज से खुश नहीं है? और क्या आने वाले समय की तस्वीर ये बता रही है कि अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपना जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो खुद संभालेंगे? क्या मायने है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के? और क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? और क्या यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से नहीं हटाया जाएगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद पर बनाए रखना आरएसएस के लिए जरूरी है, और यह फैसला जब तक आरएसएस नहीं करेगा तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया तो उनकी जो सत्ता है, उनकी जो तमाम जिम्मेदारियां हैं, वो भी मुश्किलों में आ जाएंगी, कुर्सी मुश्किल में आ जाएगी। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो पीएम बनने के लायक ही नहीं है? तमाम पहलुओं पर मैं बात करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या अब आरएसएस भी संभालेगी बीजेपी की बागडोर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं दो ऐसे बड़े धुरंधरों की, दो ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं की, दो बड़े बड़े ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा पूरे दिन हो रही है, जिनकी चर्चा राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं, आरएसएस में बैठ के हो रही है, मीटिंग चल रही है, और क्या क्या हो रहा है और क्या होना है इसको मैं बताऊंगा। मैं चाहूंगा मेरे साथ लोग इस प्रोग्राम में जुड़े, ध्यान से सुने, जो बताने में वाला हूं, जो जानकारी मैं दूंगा वो बहुत अहम जानकारी है, और ये जानकारी आपको ये बता देगी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ वक्त के लिए ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे, और क्या ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं? आशंकाएं हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि विपक्ष एक बड़ी कोशिश कर रहा है नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने की। नीतीश बाबू आइए तो सही, चाय पानी पीते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, आपको जो चाहिए दिया जाएगा, आप हमारे साथ आइए हाथ मिलाने। अगर ऐसा हो गया तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं 5 साल तक सरकार चला लेंगे, ऐसा नहीं हो पाया। तमाम बिंदुओं पर बात कर लेते हैं, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात ये भी करेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ को तपतपा रहे थे। ये उस वक्त की बात है जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजा पाठ हुआ, इसमें तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उस वक्त खूब जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यह कहना पड़ रहा है इशारों इशारों में कि आप मत बनिए भगवान, क्योंकि आप भगवान नहीं है, आप एक नेता है, आप जनता के सेवक हैं और सेवक रहिए। दरअसल अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, वो नतीजे ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी को जनता ने अब नकारना शुरू कर दिया है।
मोदी मैजिक अब खत्म हो चुका है। देश की जनता मोदी सरकार पर भरोसा नहीं जता रही है। देश की जनता नहीं चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी प्रधानमंत्री पद पर बने रहें। जिस तरीके से इंडी गठबंधन को बड़ा फायदा हुआ है, इंडी गठबंधन को लगातार सपोर्ट जनता का मिल रहा है, समर्थन का मिल रहा है। हाल ही में कुछ वक्त पहले उपचुनाव होते हैं, 10 सीटों पर हम देखते हैं कि इंडी गठबंधन को बड़ा फायदा मिल जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात धार्मिक सीट का मैं जिक्र कर लूंगा, क्योंकि अयोध्या के बाद एक और धार्मिक सीट जब बीजेपी हार गई तो ये बात और कही जाने लगी कि शायद अब धर्म और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म और जाति की राजनीति हो गई तो आगे बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जैसे तैसे सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ तो गए, लेकिन बैसाखी के जी हां बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। और ये तक कहा गया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास थे, 400 पार का नारा दिया जा रहा था, तस्वीर उसके उलट आ गई। अब बैसाखी के सहारे हैं सत्ता और दो बड़े चेहरे चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार, और इनमें से नीतीश कुमार की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो रही है विपक्ष की तरफ जाने की। लेकिन हम सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात करते हैं। क्या मोहन भागवत आने वाले समय में बीजेपी की जिम्मेदारियों को संभालेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से बागडोर ले ली जाएगी? दरअसल जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद आरएसएस के कई बड़े नेताओं का बयान सामने आया, जिसमें ये देखने को मिला कि वो बीजेपी की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे। हालांकि कुछ समय के बाद उनके बोल बदल भी जाते हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान तो ये सीधे तौर पर बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी तल्खियां बढ़ रही हैं, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की सलाह नहीं ली थी और ना वो लेना चाह रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे कि मैं अकेले अपने दम पर 400 पार ले आऊंगा तो आरएसएस की जरूरत क्या है, और यही घमंड लेकर डूब गया बीजेपी को, क्योंकि आरएसएस बीजेपी से नाराज चल रहा था। मैं चाहूंगा लोग मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े, कमेंट करें, और जो बात मैं बता रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनेगा। आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली थी, उससे पहले हमने ये देखा कि आरएसएस का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट नहीं मांग रहा था, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भी यही तस्वीर देखने को मिली कि आरएसएस का कोई भी नेता जमीनी स्तर पर नहीं उतरा और ना ही उसने बीजेपी का प्रचार प्रसार किया। तो लोकसभा चुनावों से पहले ही आरएसएस और बीजेपी के बीच दीवार खींच गई थी। समझिएगा कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जो तस्वीर आई है ना, जो हालात उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हुए, जिसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है, दरअसल योगी आदित्यनाथ इसकी वजह नहीं है, इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, सही सुन रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के हालातों को बहुत बारीकी से समझ रहे थे योगी आदित्यनाथ, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कुछ वक्त पहले ही कई लिस्ट, कई दस्तावेज दिल्ली पहुंचा दिए थे। उनमें वो नाम थे जिन नामों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जनता उन नामों से खुश नहीं थी, उन कैंडिडेटों से खुश नहीं थी। इसलिए ये तय किया गया कि नए लोगों को उतारा जाए, नए उम्मीदवारों को जगह दी जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बातों को दरकिनार कर दिया गया, उनकी फाइल को साइडलाइन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का फैसला योगी उत्तर प्रदेश का फैसला दिल्ली में बैठे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और अमित शाह जेपी नड्डा ने किया। तस्वीर उलट की, जिन नामों को हटाया जाना था उन नामों को टिकट दे दिया गया। नतीजतन उत्तर प्रदेश में सभी ने देखा बहुत बुरी तरीके से बीजेपी को झटका लग गया। बीजेपी जहां ये सोच रही थी कि 80 में से कम 75 सीटें या 78 सीटें या 80 सीटें जीत ले, ऐसा नहीं हो पाया। और ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात का कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सारे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास किसी के लिए अच्छा नहीं होता, और यही आत्मविश्वास लेकर डूब जाता है। तो जो तस्वीरें देखने को मिली वो ये साफ तौर पर बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया, समझाया गया, लेकिन उन्होंने किया वही जो उनके मन के मुताबिक था। और तस्वीरें उत्तर प्रदेश की वो आई जो नहीं आने चाहिए थी। चलिए बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की कर रहे हैं, और मैं लगातार कड़ी दर कड़ी बता रहा हूँ, पहल दर पहल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे आने वाले समय में रास्ता बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश कई नेताओं का आना जाना लगा रहा। उनमें एक बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, जो संगठन से खुद को बड़ा सोचता है वो उसकी गलत फहमी है। और सीधे तौर पर देखने को मिला कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ पर कई बार निशाना भी साधा। ऐसे में दिल्ली बुलाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हालात ठीक नहीं, कैबिनेट के अंदर हालात ठीक नहीं, और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते। दिल्ली से जब उत्तर प्रदेश आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो चेहरे पे मुस्कुराहट, एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस देखा जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगने लगा क्या अब केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अचानक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आ गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान सामने आने के बाद तो और ज्यादा हलचले शुरू हो गई, क्योंकि उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि मैं सारे फैसले खुद कर लूंगा, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए आरएसएस इन फैसलों को लेने के लिए अभी बैठी है। मोहन भागवत अभी मौजूद है और योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें आरएसएस ने नियुक्त किया है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गलत फैसला ले लेते हैं तो मुश्किलें उनके लिए भी बढ़ती नजर आएंगी। यहाँ पर ये समझिए कि किस तरीके से देखा जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इशारों में सलाह दे रहे हैं, और ये तक कहा जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नहीं चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए या दोबारा सत्ता को संभाले, उनकी जगह प्रधानमंत्री चेहरा किसी और को रखने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल ये देखा जा रहा है कि आरएसएस का हाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। आरएसएस ये चाह रही है कि अब प्रधानमंत्री आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदूवादी छवि को दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि वो हिंदुओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए लगातार उन्होंने कई बड़े कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तस्वीरों को चमकाया गया, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फैसला जो हाल ही में लिया गया नेम प्लेट को लेकर, ये फैसला बहुत अहम फैसला है। इससे ये बताने की कोशिश की गई है कि मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा मसीहा हूँ, हिंदुओं के हम हितेशी हैं और हम सनातनी हैं। तो ऐसे में हिंदू वोटर को अपनी तरफ खींचने के लिए और हिंदू जो समाज के लोग हैं उनको जगाने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया। यहाँ से एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बने रहना है, प्रधानमंत्री पद तक भी आना है। और अब ऐसा कहा जा रहा है आने वाले 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो उसमें प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को रखा जाएगा। तो क्या ये भी एक बात निकल कर सामने आ रही है कि जो 5 साल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जिस तरीके से
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मैं जिक्र करूं, वो भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अपना मुख्यमंत्री चेहरा रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि जो सीएम चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा, वो नीतीश कुमार होंगे। अगर बीजेपी अपना चेहरा उतारती है तो नीतीश कुमार अगर अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं तो क्या सरकार बीच में गिर जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे, और अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी प्रधानमंत्री के लिए अगर योगी आदित्यनाथ को चेहरा रखती है तो क्या बहुमत के साथ जीतेगी या विपक्ष जीतेगा? आप लोगों क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।